हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केयर्स के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी नाजो 10 में किसी भी ऐप को लॉक और अनलॉक कैसे करते हैं और हाइड कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हम सेटिंग्स में चलेंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं प्राइवेसी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऐप लॉक पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर सेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप पिन कोड सेट कर सकते हैं। अगर नहीं आप पिन कोड सेट करना चाहते तो आप यहाँ पर अदर इनक्रिप्शन मेथड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पैटर्न कोड और जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं पिन कोड ही सेट कर देता हूँ, 12345 6। एक बार यूज़ पर क्लिक करेंगे और फिर से एंटर कर देंगे। और यहाँ पर हमें कुछ भी ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, आप या कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर। और सेट रिकवरी ईमेल एड्रेस पर आप अपनी ईमेल एड्रेस भी एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि मैं 12345 6 एंटर कर देता हूँ और डन पर क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। व्हाट्सएप, फ़ोटो, ये सभी ऐप्स हैं जिसे हम लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको क्रोम ब्राउज़र को लॉक करके दिखा देता हूँ। इसे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पर लॉक पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये लॉक हो चुके हैं। अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है वो है चेंज प्राइवेसी पासवर्ड। यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करके चेंज कर सकते हैं। तो नीचे है रीसेट ऐप लॉक, यहाँ पर हम इसे रीसेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्रोम पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर अनेबल पासवर्ड वेरिफिकेशन, ये अनेबल हो चुका है, ऐप लॉक लग चुका है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्रोम को ओपन करेंगे और देख सकते हैं ये लॉक लगा हुआ है। अब मैं आपको इसे ऑफ़ करना भी बता देता हूँ कैसे करते हैं। प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे, फिर से ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे और अपना एंटर करेंगे पासवर्ड जो भी है, और फिर क्रोम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे डिसेबल कर देंगे और आपका क्रोम अनलॉक हो गया। देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र अनलॉक हो गया। ऐसे ही आप अनलॉक भी कर सकते हैं किसी भी ऐप को। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें ऐप को हाइड कैसे करते हैं। तो चलिए सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे दोबारा, और इसके बाद हम यहाँ पर प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है, फिर से ऐप लॉक पर और अपना पिन कोड एंटर कर देना है। पिन कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्रोम फिर से जिसे मैंने लॉक किया था उसे ही मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे फिर से लॉक को अनेबल कर देते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रही है हाइड होम स्क्रीन आइकन्स, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे ऑन कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे तो आपकी ऐप हाइड हो जाएगी। और यहाँ पर हमें नंबर सेट कर लेना है, सेट एक्सेस नंबर इसे अनहाइड करने के लिए। तो यहाँ पर सेट एक्सेस नंबर पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर हमें नंबर एंटर कर लेना जो भी हम चाहते हैं करना। हैश लगाना ज़रूरी है, फिर आप अपना जो भी नंबर डायल करेंगे और फिर से एंड पर भी हैश लगाएंगे। शुरू और एंड दोनों में हैश लगाना ज़रूरी है, हैशटैग। तो यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर नीचे डन पर क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन ऑप्शंस आ चुके हैं, हाइड होम स्क्रीन आइकन और डोंट डिस्प्ले रिसेंट टास्क बार और डोंट डिस्प्ले नोटिफिकेशंस। तो अब मैं आपको इसे अनहाइड करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये हाइड हो चुकी है, क्रोम ब्राउज़र कहीं नहीं दिखा दे रहा। अब हम डायलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हैश हमने जो एंटर किया था पासवर्ड 12345 6 फिर हैश, और ये अनलॉक हो जाएगा। हमें डायलर में जाकर सिर्फ इसे एंटर कर देना और ये अनहाइड हो जाएगा, ना कि अनलॉक, अनहाइड हो चुका है। तो अब हम इसे दोस्तों बंद कैसे करना है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे, ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे, अपना पिन एंटर करेंगे और क्रोम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे डिसेबल कर देंगे। ऐसे यहाँ पर क्लिक करके डिसेबल, और ये फिर से अनहाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोम यहाँ पर फिर से अनहाइड हो चुका है।